हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। देखिए, मेरे जेंडर प्रेडिक्शन सीरीज़ बनाने का ये मकसद है कि आपके अंदर अवेयरनेस फैले, ना कि मिथ्स फैले या किसी तरह की गलत धारणा आपके तक पहुँचे। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे तो मुझे देख के बहुत ही ताजुब लगा कि लोग लिटरली बता रहे हैं कि बेकिंग सोडा से आप गर्भ का जेंडर पता कर सकते हैं, या फिर आप नींबू से, नमक से, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि प्लीज़ आप इस तरह की वीडियोज़ में मत पड़िए। आपके लिए आपके बच्चे का स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, आप स्वस्थ रहेगा, एक हेल्दी प्रेगनेंसी होगी तो एक अच्छा वातावरण होगा, अच्छा माहौल होगा, ना कि लड़के और लड़की में इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन, इतना बड़ा भेदभाव। समाज के लिए भी ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो बेकिंग सोडा और जैसी चीज़ें हैं, अभी देखिए आपको सच्चाई आज बता देती हूँ कि सच्चाई एक्चुअली है क्या। किसी महिला में अगर बीटा HCG की मात्रा अगर ज़्यादा होती है तो ये जाना जाता है कि जो सोडा जो टेस्ट होता है उसमें बहुत सारे झाग निकलते हैं। तो अगर बीटा HCG अगर ज़्यादा है तो झाग ज़्यादा निकलेगा, अगर बीटा HCG कम है तो वो झाग कम होगा। लाइकवाइज नींबू के साथ भी यही है। फिर बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं, पता नहीं क्या क्या टेस्ट हैं। सिर्फ यही इसका मेन रीज़न, साइंस इसके पीछे यही है कि सारा खेल बीटा HCG का होता है। लेकिन ये कहना कि लड़के के केस में बीटा HCG है वो ज़्यादा होता है या लड़की के केस में बीटा HCG कम होता है, ये बिल्कुल भी 100% ये रॉन्ग बात है। क्योंकि हो सकता है कि किसी किसी महिलाओं का, देखिए सब लोगों का शरीर अलग अलग होता है, हम लोग नहीं जानते हैं कि किसका शरीर किस चीज़ के लिए किस तरह से रिस्पॉन्ड करे। मान लीजिए कि जो दवाई एक पर्सन के लिए सूट की, क्या पता उसके लिए भी वही सूट करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बीटा HCG लड़के के केस में ज़्यादा होता है, या फिर आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट की जो किट है वो अगर डार्कर लाइन आएगी तो आपको बेटा होगा, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। किसी किसी महिलाओं के साथ ऐसा भी होता है कि उनके गर्भ में लड़की पल रही होती है लेकिन उनका बीटा HCG बहुत हाई होता है, या फिर उनका जो जो दो डंडी जो दिखाते हैं बहुत डार्कर लाइन आता है। तो इससे आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं और ये प्रेडिक्शन बिल्कुल सरासर गलत है। तो इस चीज़ को, आप गलत चीज़ को प्लीज़ रोकिए, आप सही जानकारी लीजिए, सही चीज़। आप देखिए, जेंडर प्रेडिक्शन की मैं बात करूँ तो क्यूरियोसिटी सब कोई के मन में होती है, हाँ लेफ़्ट साइड सोना, राइट साइड सोना, या बहुत सारे मैंने खुद बनाए हुए वीडियो, तो उसे अनुमान लगाया जाता है। कोई आपको 100% ये क्लेम नहीं करेगा, गारंटी नहीं देगा। तो प्लीज़ आप इन तरह की वीडियो से प्लीज़ आप दूर रहिए। आप अगर देखना ही चाहते हैं तो कुछ हेल्दी चीज़ें देखिए। आप मेरे चैनल पे भी आप बहुत सारी हेल्दी चीज़ें देख सकते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए गर्भावस्था में, क्या नहीं करना चाहिए, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि आप अपने पूरे गर्भावस्था को काफ़ी प्रोडक्टिव बना सकते हैं, सूदिंग बना सकते हैं, बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं, खुद के लिए क्या कर सकते हैं। तो इन तरह की वीडियो देखिए जिससे कि आपका अदर जो विकास है, देखिए इस तरह की बस एक मानसिकता पे अगर आप चले जाइएगा कि लड़का या लड़की, लड़का या लड़की, तो आप अदर चीज़ों को आप इग्नोर कर दीजिएगा कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, या बहुत सारी ऐसी ज़रूरी चीज़ है। अपनी हॉबी के अनुसार चीज़ों को चुनिए, आप अच्छा फील करिए, आप जितना अच्छा फील करिएगा स्ट्रेस से दूर रहेगा। देखिए, लड़का लड़की देखना मैं ये नहीं कहती हूँ कि गलत है, मैंने खुद भी वीडियोज़ ऐसे बनाई हैं, लेकिन ये बात है कि आप पूरे टाइम अगर आपके दिमाग में सिर्फ वही चीज़ें घूमती रहेंगी कि लड़का, तो उससे आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में भी आते हैं। तो आपको अपने स्ट्रेस को कम करना है, और स्ट्रेस को आप किस तरह से कम कर सकते हैं, अपनी मनपसंद की चीज़ें करके, अपनी इंटरेस्टिंग कोई भी चीज़ जिससे भी आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, लोगों से मिलिए, बातचीत करिए, और फ़ोन को थोड़ा सा दूर रखिए। देखिए, फ़ोन भी हमारे लाइफ स्टाइल को बहुत ज़्यादा रियून कर रहा है। तो आप चाहते हैं अगर हेल्दी प्रेगनेंसी, तो आप अपने फ़ोन को भी थोड़ा सा दूर रखिए। और देखिए, मैं यही बात बोल रही हूँ आपको, देखो मैं भी चाहती हूँ कि लोग मेरे वीडियोज़ देखें, फ़ोन उठाएँ, यूट्यूब देखें और मेरे भी वीडियोज़ देखें, बट स्टिल मैं आपको यही गाइड करूँगी कि आप पूरी प्रेगनेंसी में एक टाइम स्लॉट बना लीजिए कि आधा घंटा मुझे वीडियोज़ देखने हैं, या आधा घंटा मुझे कुछ करना है, या एक घंटा करना है। आप अपने पूरे लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करिए और देखिए, चीज़ें बहुत ही आसानी से हो जाती हैं, आपकी डिलीवरी भी नॉर्मल होगी, आप स्ट्रेस फ्री भी रहिएगा, सब कुछ होगा। तो अपने फ़ोन को प्लीज़ अपने से थोड़ा सा दूर रहिए और खुश रहिए, तनाव से दूर रखिए, खुद को, अपने परिवार को सुखी बनाइए और अच्छे से रहिए। मेरी आपसे यही दुआ है, और इस तरह की वीडियोज़ जो भी आपको भ्रमित करती हैं उनसे प्लीज़ आप दूर रहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।